वन स्टॉप क्राइसिस सेंटर फॉर वुमेन का ध्येय मुख्य रूप से उस पीड़ित महिला को सुकून देना है जो किसी भी हिंसा का शिकार है, चाहे वो घरेलू हो या बाह्य हो, अटेम्प्ट टू रेप हो, बलात् अपहरण हो या घर से भागी हुई किशोरी हो। मेरे हस्बैंड और मेरे में झगड़ा हुआ था, थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ गया था वो झगड़ा, तो इस कारण से मैं मेरे मम्मी पापा के यहाँ पे रहना पड़ गया था मुझे। घर में लड़ाई कलेश होता था, बहू बेटा बहुत ज़्यादा मार पिटाई पे उतर आए थे। हमारे पड़ोस में एक महिला रहती थी, उसके हस्बैंड ड्रिंक करते थे, उसको उसके साथ मारा पीटी की जाती थी। घर में लड़ाइयाँ वगैरह होती है, बहू बैड मैनर से बोलती है, पति भी ऐसे ही थे, बेटा वगैरह मारने की धमकी देते हैं। सबसे पहले महिला अधिकारिता विभाग का रोल आरंभ होता है, जिसमें हमारे यहाँ 4 काउंसलर्स हैं, उन काउंसलर्स के माध्यम से उस महिला का दुख दर्द सुना जाता है। यहाँ पे महिलाएं अलग अलग परेशानियों को लेकर आती हैं, कोई घरेलू हिंसा से पीड़ित होती है, कोई दहेज को लेके होती है, तो कोई पति के ड्रिंक करने को लेके होती है। हम उनको सुनते हैं, सुनने के बाद महिला से भी पूछते हैं कि उसको क्या चाहती है, किस तरीके की मदद चाहती है, और उसके बाद हम दोनों जो तरीके होते हैं वो बता देते हैं कि क्या वो लीगल राइट्स में जाना चाहती है या सिर्फ काउंसलिंग जाना चाहती है। यहाँ पे जितनी भी काउंसलिंग्स हुई हैं उनसे मेरे बिहेवियर में प्लस मेरे हस्बैंड के बिहेवियर में काफ़ी फ़र्क आया है, और हम दोनों अब मतलब अभी हमारा ठीक चल रहा है, और इन फ्यूचर हम जल्दी शिफ्ट करने की सोच रहे हैं एक साथ रहने की। पे डॉक्टर के भी समझ गए, हस्बैंड मेरे दवाई वगैरह दिलाते हैं, ध्यान रखते हैं, अब बेटा बहू भी अब ध्यान रखते हैं, सही रहते हैं। आप भी उन्होंने मेरे को दिया है मतलब कि हम पाबंद कर देंगे, तो मेरे को तसल्ली है, इसलिए मैं आ जाई यहाँ। मैंने उनको बताया और उनको यहाँ सेंटर में लेके आई थी। उस महिला का ट्रीटमेंट करवाया गया, उसके पति का इलाज करवाया गया, उनकी काउंसलिंग की गई, और आज वो बहुत अच्छे से अपने घर में खुश हैं। यदि वे मानने पर जिस घरेलू हिंसा का या किसी भी हिंसा का वो शिकार है, पक्ष से, संबंधित पक्ष से बात करने पर यदि वे एग्री हो जाते हैं, तो उस महिला को फॉलो अप केस के रूप में देखते हुए हम वापस उसे घर भेज देते हैं। यदि किसी भी कारण से समझाइश की वजह से वो न मान पाए, तो उसके बाद हम उसे परिवाद के रूप में दर्ज करते हैं। यहाँ गृह विभाग, जो हमारा यहाँ दूसरा विभाग है, उसका रोल आरंभ हो जाता है। परिवाद के बाद FIR की यदि आवश्यकता होती है तो FIR भी की जाती है। ये सेंटर हिंसा से पीड़ित होकर आने वाली महिलाओं को चिकित्सकीय सहायता, पुलिस द्वारा प्रदान की जाने वाली सहायता, कानूनी सहायता, काउंसलिंग की सहायता और शॉर्ट शेल्टर होम की सहायता उपलब्ध कराता है। यदि महिला FIR दर्ज करवाना चाहती है तो पुलिस थाने जाकर उनकी FIR दर्ज करवाने में सहायता दी जाती है। यदि महिला विपक्षी गणों को, आरोपी गणों को एकमात्र सिर्फ पाबंद करवाना चाहती है, तो जरिए संबंधित थाना पाबंदी की कार्रवाई भी यहाँ की जाती है। महिला यदि भूखी है, प्यासी है और किसी भी रोग से ग्रसित है, तो सबसे पहले उसे मेडिकल यानी कि चिकित्सकीय सहायता भी उपलब्ध कराई जाती है। इसके बाद यदि हम देखते हैं विधि सहायता की आवश्यकता है, तो हमारे यहाँ विधि परामर्शदाता वकील साहिबा के रूप में मौजूद रहती है। हम लोग यहाँ पर आके लेडीज़ की हेल्प करते हैं, उन्हें बताते हैं कि ना उनके लीगल राइट्स क्या हैं, उनके बारे में सारी लीगली जानकारी देते हैं उन्हें, जिस तरह से वो हमें बताती हैं कि उन्हें डोमेस्टिक वायलेंस का, उन्हें 498 का, जिस तरह से भी उनको प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है उनकी फैमिलीज़ में, वो सारी प्रॉब्लम्स हम लोग यहाँ पे आके उन्हें लीगली फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करके उनकी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं। ये सभी सुविधाएं, महिला को कहीं नहीं जाना है, पीड़ित महिला इसी सुकून गृह में स्टे करती है, 2 दिन तक यहाँ स्टे अलाउड है। इस बीच में वो कार्यवाही जब संपन्न होती है, तब उसके बाद में जहाँ जो उसका रेफरल पॉइंट है उसे वहाँ भेज दिया जाता है। इन केसेस में लेडीज के लिए काफी अच्छा सेंटर से है। ऐसी सहायता सबको मिलनी चाहिए जैसे अपनापन मिला। आस पड़ोस की जो और महिलाएं भी हैं जो ऐसी पीड़ित है, तो उनको और ज़्यादा इस सेंटर के बारे में पता लगना चाहिए। यहाँ से हर महिला को इतनी मदद मिलती है कि वो ना आते रोते हुए मगर जाते हंसते हुए है।